समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए धार्मिक ग्रंथ पर अपने बयान पर चौतरफा अब विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा नंदकिशोर गुर्जर ने। कई पार्टियों ने वामदल, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे अन्य पार्टियों के नेताओं, कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मिलकर के एक षड्यंत्र किया है कि आपस में जो हमारा सनातन धर्म है उनकी जो जातियां उनको आपस में विवाद कराया जाए। इस संबंध में मैंने उच्चतम न्यायालय दिल्ली को पत्र लिखा है कि वो संज्ञान लेकर के, क्योंकि जो अपने स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर जी जैसे जो लोग हैं इस देश में, वो इस देश के ऊपर कलंक हैं, वो तो मोहरा है केवल। इन लोगों को संज्ञान लेकर के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं इन पर संज्ञान ले।